अभी सुबह का 9 बजा है और हम अभी अपने होटल से जो रूपीन रिवर व्यू है उससे ठीक सामने में है। यहाँ से चितकुल विलेज अभी जाना है हमको, थोड़ा 1000 फीट ऊपर जाएंगे और आपको वह दिखाएंगे विलेज। चितकुल विलेज जो है वह इंडिया तिब्बत बॉर्डर से लगा हुआ है, यानी लास्ट विलेज होगा चितकुल विलेज, यह इंडिया का जो तिब्बत बॉर्डर से सटा हुआ है। हालांकि बगल में चीन भी है लेकिन यह इंडिया और तिब्बत यानी हिंदुस्तान और तिब्बत का बॉर्डर है, इस पर बीच में ये बसा हुआ है यानी भारत का लास्ट गांव है, ऐसा कह सकते हैं। सो हम लोग देखेंगे अभी चितकुल विलेज थोड़ी देर के बाद। आप देख रहे हैं बासपा रिवर यह बह रही है हमारे बगल से और आपको आवाज़ सुनाई दे रहा होगा इसकी, और बगल में जो माउंटेन का व्यू है वह भी बहुत मनोरम है, बहुत एक्साइटमेंट करने वाला है। आप एक बार जीवन में ज़रूर आएं और इस पूरे व्यू का आनंद लें, एकदम एडवेंचर जर्नी रहेगा आपका। चलिए चितकुल विलेज की तरफ हम चलते हैं और आपको रोड का पूरा ट्रिप दिखाते हुए चितकुल विलेज के पास ले जाएंगे। अब हम लोग रक्षम से जा रहे हैं और चितकुल की तरफ निकल गए हैं, तो आप बने रहिए, पूरे जर्नी का आनंद उठाइए। हम दोनों का बस दिल लगा रहता है, मैं सोए वो बेड पे था तो उसका बिस्तर नीचे किया होता था, तो बोला यार देख बढ़िया है भाई, सबसे तो अच्छा ही है, ना किसी की बुराई ना आराम से रहो इसके साथ, दोस्ती करनी हो ना इंसान के साथ, वो तो मेरी बुराई करेगा। कुछ ही देर में हम अब चितकुल हिंदुस्तान का अंतिम गांव जो है इस डायरेक्शन में जो तिब्बत सीमा के साथ मिलता है वहां पहुंचने वाले हैं। फाइनली चितकुल वैली के पास आ गए हैं और जो अपना होटल है रक्षम से चलकर अभी लगभग हमको लगा आधा घंटा 45 मिनट लगा है, और यह चितकुल वैली जो बगल में आप बासपा रिवर का देख रहे हैं ये फ्लो जो है, और सामने में आप देखिए ये माउंटेन एकदम फर्स्ट क्लास का व्यू है, और आप देख लीजिए जो विलेज है थोड़ा सा ऊपर है, हम विलेज से नीचे आ गए हैं, विलेज हम दिखाने की कोशिश करते हैं। आप देखिए उधर विलेज होगा और वो विलेज है सामने में, और कुछ इंडो तिब्बत बॉर्डर का जो आर्मी है वहाँ पर अपना कैंप लगाए हुए रहते हैं। तो हम यहाँ पर जो चितकुल विलेज है उसके आसपास कुछ देखते हैं और उसके बाद फिर से आज लौटेंगे अपने होटल में। आज का ओवरनाइट स्टे वही होटल में है, कल हम निकलते समय होटल का रिव्यू करेंगे और आप होटल के बारे में भी जानकारी ले सकते हैं कल के वीडियो में। कल की यात्रा जो होगी उसके बारे में आगे हम बताएंगे। रास्ते को आप तो देखे हैं और उस रास्ते को आप भी इंजॉय कर सकते हैं, आप आइए कभी ज़रूर घूमिए। सामने एक कैंप दिख रहा है
और उस कैंप की तरफ हम जाने की कोशिश कर रहे हैं और पता करते हैं उस कैंप की स्थिति क्या है। देखिए चितकुल का यह जो पोर्शन देख रहे हैं, ठीक बासपा नदी के पास में ये कैंप है, उस कैंप में भी आप रुक सकते हैं और एक रात का, जैसा कि इन्होंने बताया है अभी जो मैनेजर हैं, 3,000 रुपये पर नाइट, यानी 3,000 रुपये में यह जो आनंद है आप ले सकते हैं कैंप का। कैंप बासपा नदी के सामने और इसके चारों तरफ माउंटेन का जो व्यू है वो आप बड़ा अजब देख सकते हैं, बहुत अजीब नज़ारा है। और आपको हम कैंप भी चलकर दिखाते हैं, कैंप इनका कैसा है। ट्रिपल शेयरिंग का कैंप है और उस कैंप को आपको हम अंदर से थोड़ा दिखा देने की कोशिश करते हैं। आप देखिए ये कैंप है और ये देखिए यहाँ पर ट्रिपल शेयरिंग का कैंप है और अभी एक व्यक्ति हैं यहाँ पर जो इसकी देखरेख भी करते हैं। और अंदर में वाशरूम है, आप देख सकते हैं अंदर में इनका वाशरूम है, आप देखिए बहुत वेल मैनेज्ड, आप इसमें रह सकते हैं। अंदर में बिल्कुल ठंड नहीं है जबकि बाहर में ठंड है, और अंदर में बिल्कुल साफ सुथरा। आप इस कैंप में रुक सकते हैं, जबकि हम जो होटल में रुके हैं वहाँ पर मिनिमम 3,500 पर नाइट का रेट है। यह व्यू तो नहीं है, हाँ डिनर ब्रेकफास्ट ये सब हो सकता है आपके पास। और यहाँ पर भी 3,000 पर नाइट में हम बात करते हैं कि ये ब्रेकफास्ट और डिनर के साथ देते हैं कि नहीं देते हैं, एक हम उनसे बात करके तब आपको बताते हैं। 3,000 पर नाइट में ब्रेकफास्ट और डिनर के साथ है कि अलग से है? वो अलग रहेगा। अलग रहेगा तो ब्रेकफास्ट और डिनर के साथ कितने का हो जाएगा? दो प्लान चलते हैं, जैसे मान लो ग्रुप के लिए रखता है हमारा 1500 पर पर्सन के हिसाब से रखता है। अच्छा 1500 पर पर्सन, जैसे इंडिविजुअल लेना है टेंट तो उसमें 3000 है। अच्छा प्लस फूडिंग अलग से? फूडिंग अलग से। तो फूडिंग का कितना लग जाएगा? फूडिंग का तो मेन्यू के हिसाब से, आप मेन्यू के हिसाब से आप अलग कार्ड में क्या ऑर्डर करते हैं। अच्छा अच्छा ठीक है, हमारे नॉमिनल से रहते हैं ज़्यादा वो नहीं। जी अच्छा, 650 चिकन, चिकन रहता है फुल पोर्शन। अच्छा बाकी 550 और नॉर्मल सी वो है। नॉर्मल है ठीक है। तो इनके अनुसार आप फूड प्लान अलग से लेंगे, जो मेन्यू रहेगा उसमें आप फूड प्लान कर सकते हैं, अपने अकॉर्डिंग फूड आप ले सकते हैं। बहुत नॉर्मल इनका कॉस्ट है और इस कॉटेज का यानी कैंप का आप आनंद उठा सकते हैं। तो ये आज बताना था आपको चितकुल वैली, चितकुल विलेज के अंदर, और आगे आपसे फिर मिलते हैं। यहाँ पर एक चीज़ और बताना चाह रहे हैं हम आपको कि यहाँ पर एयरटेल का नेटवर्क काम नहीं करेगा, जियो का फुल नेटवर्क है। तो जियो का आप सिम एक ज़रूर रखें, एयरटेल का भी रखें, लेकिन जियो का यहाँ पर कंप्लीट, हम जो रास्ता देख रहे थे अभी तक उसमें जियो का टावर बहुत अच्छा तरह से वर्क कर रहा है। अभी हम कॉफ़ी पियेंगे इनके होटल में, जो कैंप चलाते हैं उनके होटल में। साथ ही ग्रुप जब टूर आप बनाएं तो इनका रेट फूडिंग के साथ 1500 रुपये पर पर्सन है। अगर आप 25-30 आदमी आ रहे हैं तो आप यहाँ पर इंजॉय कर सकते हैं, ट्रैकिंग वगैरह भी करवाते हैं। अगर बर्फ़ रहेगा सामने के माउंटेन पर तब तो आपको आगे फिर मिलते हैं। आज कैंप के बारे में बताना था साथ में, अब आगे लेके चलते हैं आपको। अभी हम जो पहुँचे हैं वो देखिए, आप सामने देख रहे होंगे इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस फोर्स, और यहाँ पर जो नीचे में दिख रहा है आपको ये इंडो तिब्बतन मिलिट्री फोर्स यहाँ पर तैनात है। और ठीक चितकुल विलेज से हम लगभग अभी 7 से 8 मिनट का जर्नी करके इस स्पॉट पर पहुँचे हैं। अब इसके बाद आगे जाना नहीं है, ठीक है, यानी इस बॉर्डर के बाद अब आपकी आवाजाही बंद है, बाकी मिलिट्री फोर्स अपना काम कर रहे हैं। अब हम पीछे लौटेंगे और अपने होटल में आज फिर से ओवरनाइट स्टे करने वाले हैं, खाना खाने के बाद अपने होटल में लौटते हैं।